जी मैम बोलिए। जी मैम, आए लगभग 30 महिलाओं ने वैष्णो शर्मा जी की अध्यक्षता में पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है। हमारी पैंथर्स पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने पैंथर पार्टी पे अपना विश्वास दिलाया है, और जो कि उनके बीजेपी की कथनी और करनी में जो अंतर है वो भी इन्होंने देख लिया है। इलेक्शन के समय में इतने बड़े बड़े वादे किए, वो धारा 370 उठाएंगे, 35 से कुछ करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, पर इन्होंने देख लिया कि कुछ भी नहीं हुआ। जो भी वादे किए थे इन्होंने, एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए, तो इसीलिए आज इन्होंने अपना जो विश्वास है अभी पैंथर पार्टी में जताया, और हम भी इनको यकीन दिलाते हैं कि हम उनको विश्वास की पूरा उतरने की कोशिश करेंगे, और आने वाले टाइम में पैंथर्स पार्टी बढ़ चढ़ कर भाग लेगी। हर जो भी काम लोगों में जो मसले हैं उनको दूर करने की, जो भी उनकी कठिनाइयाँ, जो उनकी मुश्किलें हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, और आने वाले टाइम में पैंथर्स पार्टी एक बड़ी पार्टी की बनकर सामने आएगी। अपनी पार्टी में स्वागत। जी सर बताइए। देखिए, आज का जो प्रोग्राम हमने पैंथर्स पार्टी के दफ्तर में रखा था, आज श्रीमती वैष्णो शर्मा जी की अध्यक्षता में आज 30 से ज्यादा महिलाओं और नौजवानों ने वार्ड नंबर सात जो गांधी हाउस और क्रिश्चियन कॉलोनी और आपकी गद्दू की छावनी जो है उस एरिया को कवर करती है, वहां से जो पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है। सभी लोगों का यही मानना है कि पैंथर्स पार्टी जम्मू प्रदेश की एकमात्र पार्टी है, एकमात्र रीजनल पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन से एफिलेटेड है, जिसको निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त है, और ये जम्मू के हितों के लिए लड़ रही है। इन सभी लोगों का ये भी मानना है कि इन्होंने सारी केंद्र की पार्टियों को, चाहे वो भाजपा हो, वो कांग्रेस को भी देख लिया और कश्मीर के क्षेत्र की पार्टी को भी देख लिया जिसमें पीडीपी और नेका शामिल है, लेकिन इन सभी पार्टियों ने जम्मू के जो हित थे उनके लिए कोई आवाज बुलंद नहीं करी, और इन्होंने पैंथर्स पार्टी में अपना फेथ रिपोज किया है, और लोगों से ये अपील की है कि पैंथर्स पार्टी को भारी बहुमत से जो है कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी जिताएं और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी जिताएं, क्योंकि पैंथर्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू के हितों की बात कर रही है।